मकर संक्रांति पर बाजार में बड़ी मात्रा में नायलॉन मांझा पहुंचा था। इसकी जानकारी मिलते ही नगर परिषद भंडारा ने चार पतंगों के दुकानों पर छापा मारकर 47 बंडल समेत कुल 10,000 रुपयों का मांझा जब्त किया है। ये कार्रवाई गुरुवार 14 जनवरी की दोपहर की गई। नायलॉन मांझे पर प्रतिबंध होकर भी बाजार में प्रतिवर्ष ये बिक्री के लिए पहुंचता है। नायलॉन मांझे में टक्कर पक्षियों की मौत हो जाती है, कई बार आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। शहर के अविनाश पटाखा सेंटर में, जिया पतंग सेंटर में, निरंकारी वॉच एंड स्टोर्स जनरल में, माँ रेणुका बोट हाउस में नायलॉन मांझा बेचा जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही नगर परिषद के दल ने मुख्याधिकारी विनोद जाधव के नेतृत्व में दुकानों पर कार्रवाई की, 10,000 रुपयों का मांझा जब्त किया। कार्रवाई करने वाले दल में नगर परिषद के कर्मचारी संग्राम कटकवार, मिथुन मेश्राम, किरण कटकवार, लिपिका गणवीर ने की है। जब्त किया गया मांझा घन कचरा प्रकल्प पर नष्ट किया जाएगा। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।